करंट अफेयर है आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। 20 से 22 क्वेश्चन जरूर रहेंगे इससे, तो आप लोग इसके लिए एक रणनीति बनाइए और चीजों को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। पहले हम लोग आज अक्टूबर महीने शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं आज राष्ट्रीय स्तर का कुछ सूचना है। तो पहला अक्टूबर महीने में अगर हम देखें राष्ट्रीय स्तर की जो बात करें, तो सबसे पहले जो बात हुई वो हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। अगर हम देखें हरियाणा, तो हरियाणा में विधानसभा की जो सीटें हैं कुल वो है 90 सीट। इन 90 सीटों के लिए विधानसभा का चुनाव हुआ, जिनमें हम जानते हैं जो बीजेपी है उसको 40 सीटें मिली, जजपा को 10 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, बाकी सीटें अन्य को मिली। जैसा कि हम जानते हैं यहां पे सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटों की आवश्यकता थी, जिसमें भाजपा और जननायक जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। इसमें भाजपा के मनोहर लाल खट्टर, सीएम, जबकि जजपा के दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। जसपा को अभी राज्य पार्टी का दर्जा भी दे दिया गया है। तो इन दो पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई यहां पे हरियाणा में। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में विधानसभा कुल सीटें हैं 288। इन 288 सीटों में बीजेपी को मिली थी 105 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें, राकपा को 53 सीटें, जबकि कांग्रेस को इसमें कुल 44 सीटें प्राप्त हुई थी। हम जानते हैं कि भाजपा और शिवसेना ने प्रारंभ में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में कुछ पद को लेकर कुछ विवाद हुए, जिस कारण से उन दोनों में आपस में कुछ मनमुटाव हुए और दोनों पार्टियां अलग हो गई। हालांकि बीजेपी ने राकपा के साथ मिलकर 3 दिन की सरकार बनाई थी, लेकिन जल्द ही वो टूट गई थी और उसके बाद शिवसेना, राकपा और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई वहां पे, और वहां पे उद्धव ठाकरे सीएम बने। तो ये जो दो चुनाव हुए है दो राज्यों में, उसमें हमने देखा विधानसभा के दो चुनाव हुए। इसके अलावा अक्टूबर महीने में अगर हम देखें तो लोकसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव भी हुए। ये 2 सीटें थीं महाराष्ट्र में सतारा की और बिहार में समस्तीपुर। इन 2 सीटों के लिए चुनाव हुए।
उपचुनाव, देखिए जैसा कि हम जानते हैं जो लोकसभा चुनाव होता है, इस चुनाव का संपादन भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और हम जानते हैं इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 और इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मतदाता दिवस। देखिए अगर वर्तमान बात करें चुनाव आयोग की तो चुनाव आयोग वर्तमान में एक बहुस्तरीय संस्था है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अगर इसमें हम बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुनील अरोड़ा। ठीक है, अब जो चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो जो चुनाव आयोग चुनाव कराता है उसको हम देखें तो चुनाव आयोग तीन तरह के चुनाव कराता है। जो चुनाव की प्रक्रिया है, एक होता है जिसे कहा जाता है आम चुनाव, दूसरा होता है मध्यावधि चुनाव और तीसरा होता है उपचुनाव। देखिए जो आम चुनाव होता है हम जानते हैं कि ये 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, जो भी कार्यकाल होता है वो कार्यकाल पूरा होने के बाद होता है। 5 साल जो भी कार्यकाल होता है उस कार्यकाल के पूरा होने पर जो चुनाव होता है उसे कहा जाता है आम चुनाव। और आम चुनाव ये पूरे कार्यकाल के लिए होता है, जो अगला कार्यकाल होगा पूरा उसके लिए होगा, 5 वर्ष के लिए भी हो सकता है, जो भी कार्यकाल होगा उसके लिए। मध्यावधि चुनाव जो होता है, मध्यावधि चुनाव हमेशा अगर कोई पार्टी किसी की सरकार बनी है और वो सरकार अगर अपने पूरे कार्यकाल को पूरा नहीं करती है और 2 से 3 साल या 1 साल बाद वो सरकार गिर जाती है तो जो दोबारा चुनाव होता है उस चुनाव कहा जाता है मध्यावधि चुनाव। ध्यान रखेंगे मध्यावधि चुनाव में जो शेष कार्यकाल होता है वो 6 माह से अधिक होता है तभी होगा, अन्यथा नहीं। तो दो या तीन साल के कार्यकाल के बाद ही अगला चुनाव होगा, ये भी पूरे कार्यकाल के लिए किया जाता है, पूरे समय के लिए। नेक्स्ट अगर हम उपचुनाव की बात करें तो हम जानते हैं उपचुनाव जो होता है वो हमेशा किसी मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के बाद अगर हो जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उसमें चुनाव कराया जाता है। अब यह जो चुनाव होता है उस चुनाव कहा जाता है उपचुनाव। जो उपचुनाव होता है ये हमेशा शेष कार्यकाल के लिए होता है। तो ये दो चुनाव हुए 2 सीटों के लिए लोकसभा के, महाराष्ट्र में सतारा और बिहार में समस्तीपुर में। 24 जनवरी को
बालिका दिवस, तो मरियम थ्रेशिया केरल की एक नन थी, केरल की, इनको संत की उपाधि दी गई। संत की उपाधि, आप जानते हैं कि इन्हें संत की जो उपाधि दी गई, एक कैथोलिक चर्च जो होते हैं जो कैथोलिक चर्च होता है उसके जो प्रमुख हैं अगर देखा जाए विश्व के, तो उसमें जो पोप फ्रांसिस हैं उन्होंने यह उपाधि इनको दी, पोप फ्रांसिस। मरियम थ्रेशिया केरल की एक नन है, हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनको मृत्यु के पश्चात यह संत की उपाधि दी गई है। मरियम थ्रेशिया ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अक्टूबर महीने में भारत सरकार ने राफेल विमान की खरीद की। राफेल विमान का जो सौदा हुआ है ये फ्रांस की सरकार से हुआ है। फ्रांस, हम जानते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो फ्रांस की सरकार से हुआ जो ये सौदा, ये वास्तव में 2016 में हुआ था भारत के साथ, और इसमें फ्रांस भारत को कुल 36 राफेल देने की बात की गई थी, और इसके लिए जो सौदा हुआ उसमें जो लागत थी वो 59,000 करोड़ की थी, 59,000 करोड़ का ये सौदा हुआ था। इसमें जो पहला इसका जो विमान प्राप्त हो रहा है राफेल, वो प्राप्त हुआ 8 अक्टूबर को, पहला प्राप्त हुआ। आशा है कि 2020 में 3 और राफेल प्राप्त होंगे भारत को। राफेल अगर देखा जाए तो फ्रांस से लिया गया। फ्रांसीसी भाषा में राफेल का अर्थ होता है आंधी या तूफान से मतलब है इसका तात्पर्य। ये राफेल की जो गति है, ध्यान दीजिएगा, राफेल की जो गति है ये 1912 किलोमीटर पर सेकेंड प्रति घंटा है, 1912 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है, ठीक है। तो मैंने आपको ध्यान रखना है राफेल का जो सौदा हुआ वो किस देश से हुआ, तो राफेल का सौदा जो है फ्रांस से हुआ। भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस राफेल सौदे के लिए वहां पे फ्रांस गए थे, 8 अक्टूबर को लिया गया। देखिए अगर हम 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 अक्टूबर को ही हमारे यहां वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस, अगर वायुसेना की बात कर रहे हैं तो हमको इसी समय देख लेते हैं कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। अब देखिए नौसेना हो गया, इस वजह से हम देख लेते हैं थल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी, तो तीनों सेनाओं को देख सकते हैं आप, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर और 15 जनवरी। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हमारे यहां। अगर हम देखें इनके प्रमुख की, तो वायुसेना के प्रमुख जो हैं वो हैं आर के भदौरिया,
ठीक है, आर के भदौरिया वायुसेना प्रमुख, जबकि नौसेना प्रमुख जो है वो करमवीर सिंह है। जबकि थलसेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने हैं, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान में पूर्व थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत को सीडीएस नियुक्त कर दिया गया है। सीडीएस से तात्पर्य होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हालांकि हमारे यहां माना गया है, संविधान में लिखा गया है कि तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, जो प्रमुख होता है, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने राफेल का सौदा देखा। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो अक्टूबर महीने की जो प्रमुख घटना थी जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में विभाजन। हम जानते हैं इन दोनों राज्यों को, जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में, दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटा गया। यहां जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह रखी गई है। इनका विभाजन जो प्रभावी हुआ हम जानते हैं 31 अक्टूबर से प्रभावी हो गया। देखिए, इनके प्रशासन के लिए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए, दोनों के लिए उपराज्यपाल। पहले जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हुआ करते थे सत्यपाल मलिक जी, उनको यहां से हटाकर गोवा ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर में जीसी मुर्मू को वहां का उपराज्यपाल बनाया गया, जबकि आर के माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। तो ये जो शासन व्यवस्था प्रभावी हुई 31 अक्टूबर से, हम जानते हैं कि 31 अक्टूबर जो है वर्तमान में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एकता दिवस हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि जन्म दिवस के रूप में एकता दिवस मनाया जाता है। हम जानते हैं कि गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के रूप में बनाई गई है। कि जम्मू कश्मीर, यहां विधानसभा भी है, यहां विधानसभा की 111 सीट थी, जिनमें से हमेशा 87 सीट के लिए चुनाव होता था और 24 सीटें जो है ये पाक में हुआ करती थी, इसमें चुनाव नहीं होते थे। तो जम्मू कश्मीर वर्तमान में भारत का तीसरा ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है, जो कि जम्मू कश्मीर को इस समय केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है इस कारण से। तो जम्मू कश्मीर तीसरा ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा सीटें हैं। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अलावा अगर देखें तो दिल्ली,
और पुदुचेरी में भी विधानसभा है। दिल्ली में जहां 70 विधानसभा सीटें हैं, वहीं पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटें हैं। और हम जानते हैं भारत में अगर देखें तो पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां सबसे कम 30 है। हालांकि अगर राज्यों की बात करें तो सिक्किम ऐसा राज्य है जहां विधानसभा की सीटें 32 है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की अगर देखें तो पुदुचेरी में इसकी संख्या 30 है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें भी हैं। लोकसभा में पहले 5 सीटें थी जिनमें से 4 सीटें जम्मू कश्मीर में हैं और 1 सीट लद्दाख को प्राप्त हुई है। देखिए चिनाई नासेरी सुरंग, हम जानते हैं कि जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH 44, इसी मार्ग पर स्थित है। इस नासेरी सुरंग का नया नामकरण किया गया और इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, अब इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहा जाने लगा। ये जो सुरंग है चेन्नासेरी, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उधमपुर को एक जगह है रामबन, वहां से जोड़ती है। अगर हम देखें इस सुरंग की लंबाई तो इस सुरंग की जो लंबाई है वो लगभग 9 किलोमीटर है। जो संस्था है BCCI, इसके अध्यक्ष बनाए गए सौरभ गांगुली और सचिव जयसा और कोषाध्यक्ष ये अरुण धूमल बनाए गए। देखिए सौरभ गांगुली के बारे में सभी जानते ही हैं, सचिव जयसा अमित शाह जी के बेटे हैं और कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ये हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व सीएम थे प्रेम कुमार धूमल उनके बेटे और BCCI के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई अरुण धूमल। तो BCCI जो कि भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, जिसे कि विश्व की सबसे धनी संस्थाएं माना जाता है, धनी बोर्ड, इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जयसा, कोषाध्यक्ष अरुण धूमल। हालांकि क्रिकेट की अगर बात करें तो जो पूरे विश्व क्रिकेट को नियंत्रित करती है संस्था, वो संस्था है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो मुख्यालय है ये दुबई में है और जो ICC के इस समय अध्यक्ष हैं मनु साहनी जी हैं। मनु साहनी ICC के अध्यक्ष हैं, BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली।
अक्टूबर महीने में भारत में दो ट्रेन भी चलाई गई नई, एक थी तेजस एक्सप्रेस दूसरी थी वंदे भारत। वंदे भारत का ये अगला संस्करण है। तेजस एक्सप्रेस जो है ये लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलाई गई, यह एक हाई स्पीड की ट्रेन है, इसे प्राइवेट निजी क्षेत्रों के हाथों सौंपा गया है, तरह से कारपोरेट ट्रेन इसे कहा जाता है। ये लखनऊ से नई दिल्ली के मध्य चलती है और कानपुर गाजियाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचती है। ये मंगलवार को छोड़कर सभी दिन पूरे हफ्ते चलती है। दूसरी जो वंदे भारत ट्रेन है ये जो है दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था दिल्ली से वाराणसी के बीच। हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर की सूचनाओं की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आए 11 से 12 अक्टूबर और ये जो है भारत के जो तमिलनाडु है वहां पर ये इनकी अनौपचारिक वार्ता थी, वहां पे इनका स्वागत नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तमिलनाडु का जो शहर है जहां पे ये गए चेन्नई के निकट, यहीं पे महाबलीपुरम नामक स्थान पर इनका स्वागत नरेंद्र मोदी जी ने किया, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में जो वास्तव में स्थान था उसका नाम था मामल्लपुरम। यहां पर नरेंद्र मोदी जी दक्षिण भारतीय प्रधान में इनका स्वागत किए थे। मामल्लपुरम यहां पे जो शोर मंदिर है एक तटी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मामल्लपुरम यहां पे जो संस्कृति है महाबलीपुरम की ये जो है पल्लवकालीन है। ने मामल्लपुरम की उपाधि धारण की थी। देखिए अगर हम बात करें मामल्लपुरम की तो मामल्लपुरम को और महाबलीपुरम जो महाबलीपुरम में है ये जो है यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है, विश्व विरासत स्थल की जो सूची है उसमें मामल्लपुरम को शामिल किया है। इसमें मामल्लपुरम जो है 1983 में ही शामिल किया गया था। मामल्लपुरम 1983 में शामिल किया गया। देखिए जो यूनेस्को है हम जानते हैं कि इसका जो पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है,
इसकी स्थापना जो है यूनेस्को की, ये हुई थी 4 नवंबर 1946 यूनेस्को की स्थापना हुई। और जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय पेरिस में है। और इसके जो प्रमुख हैं ये आद्रे अजुवेले हैं। तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई और मुख्यालय इसका पेरिस में है। यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थलों की सूची जारी करता है। हम जानते हैं इसकी पिछली बैठक जो अजरबैजान में हुई वहां पे कुछ और विरासत स्थलों की सूची जारी को शामिल किया गया। उसे भारत का जयपुर नवीनतम स्थल के रूप में शामिल हुआ है। अगर हम बात करते हैं भारत की तो यूनेस्को की सूची में भारत के वर्तमान में कुल 38 स्थल शामिल हैं। 38 स्थल वर्तमान में। हम जानते हैं कि जो यूनेस्को है ये जो विश्व विरासत स्थलों की सूची शामिल करता है जारी करता है विश्व विरासत स्थलों की सूची जारी करता है उनकी 3 श्रेणियां होती हैं। एक होती है सांस्कृतिक, जिसमें ऐतिहासिक इमारतें वगैरह होती हैं। दूसरा होता है प्राकृतिक और तीसरा होता है मिश्रित। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के 30 स्थल सांस्कृतिक सूची में शामिल हैं, 7 स्थल प्राकृतिक सूची में शामिल हैं और 1 स्थल मिश्रित सूची में शामिल है। तो चीन के साथ प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई, देखिए करंट को जो हम पढ़ते हैं इसके हम सभी एंगल को देखते हैं, सभी आयाम को इसमें चेक करते हैं कि हम लोग हमारी तैयारी इसमें कहां पे है। सिर्फ एक एंगल से देखेंगे तो कई सूचनाएं छूट जाती हैं। और जो आयोग है वो क्वेश्चन को हर एंगल से देखता है तो बनाता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति, तमिलनाडु चेन्नई में 11 से 12 अक्टूबर के बीच आए और चेन्नई के महाबलीपुरम नामक स्थान पर, मामल्लपुरम जो है वहां पे रुके। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में इनको बताया, कुछ मुलाकातें थी इनकी। हम जानते हैं कि मामल्लपुरम यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर जो स्थल है उसमें शामिल है। और मामल्लपुरम जो है 1983 में ही विश्व विरासत सूची में शामिल हो गया है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946, मुख्यालय इसका पेरिस और इसके जो प्रमुख हैं आर्ड्रे अजुवेले हैं। ये यूनेस्को विश्व में विरासत स्थलों की सूची जारी करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट सूचना देखते हैं हम, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये 2 देशों की यात्रा पर अक्टूबर महीने में गए, जिसमें एक था फिलीपींस और दूसरा है जापान।
देखिए इनकी यात्रा जो थी फिलीपींस, ये 17 से 21 अक्टूबर के बीच थी। हम जानते हैं जो फिलीपींस है ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, इसकी राजधानी मनीला है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो रॉबर्टो दुतेत्रे। यहाँ पे जो राष्ट्रपति जी गए वहां के राष्ट्रपति से, जो राष्ट्रपति है वहां के दुतेत्रे, इनसे मुलाकात की और इनके साथ कुल 4 समझौते किए। चार समझौते। और फिलीपींस के जो राष्ट्रीय हीरो हैं जोस रीजल, इनसे मुलाकात, इनसे इनके जो मूर्ति है उसको माल्यार्पण करते हैं। देखिए जोस रीजल जी को फिलीपींस में वही स्थान प्राप्त है जो भारत में महात्मा गांधी को है। इनको राष्ट्रीय हीरो कहा जाता है। रामनाथ कोविंद जी ने भी इनके लिए कहा कि ये भी गांधी जी की तरह ही सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे और इनको एक महान हस्ती बताया। फिलीपींस की यात्रा के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जापान की यात्रा पर जाते हैं। जापान में इनका मुख्य उद्देश्य था जापान के, जो कि हम जानते हैं जापान एक राजतंत्रात्मक देश है, यहाँ पे राजतंत्र है। जापान में एक नए राजा के राज्याभिषेक था। वहां के तत्कालीन राजा अकिहितो ने अपने बेटे नारुहितो के पक्ष में अपना सिंहासन त्याग दिया। अब नारुहितो जो है वहां के सम्राट बने और इन्हीं सम्राट के राज्याभिषेक में रामनाथ कोविंद जी ने हिस्सा लिया। देखिए जैसा कि हम जानते हैं नारुहितो पहले प्रिंस थे यहाँ के और वर्तमान में जापान के 126वें सम्राट बने। नारुहितो के सम्राट बनने से वहां पे एक नया युग जिसे कहेंगे रीवा युग का प्रारंभ हुआ। हालांकि अकिहितो जो राजा थे इनके शासनकाल को हिजी युग कहा गया है। और नारुहितो के साम्राज्य को रीवा युग कहा जाता है। लेकिन नारुहितो के जो पत्नी है और इनकी एक पुत्री है आइको। देखिए यहां पे जो इनकी पत्नी और पुत्री का नाम मैं बताया आपको, इसका एक उद्देश्य यह है कि जापान राजतंत्र में राजतंत्र है और वहां पे एक नियम है कि बेटी शासक नहीं बनती है और नारुहितो को एक बेटी है। तो नारुहितो ने अपने भाई अकिशिनो को इनको प्रिंस नियुक्त किया है। अर्थात अब अकिशिनो ही भविष्य में जापान के सम्राट बनेंगे। जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था तो जापान में एक तूफान भी आया था। उस तूफान का नाम था, नाम है होशिबी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की जो भारत में यात्रा हुई
उनमें एक जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने भारत की यात्रा की। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की पीएम जो शेख हसीना है, इन्होंने भी भारत की यात्रा की और शेख हसीना को हसीना के साथ भारत ने 7 समझौते भी किए। ये 7 समझौते हुए शेख हसीना के साथ। हम जानते हैं कि शेख हसीना को इंडिया इकोनॉमिक जो समिट हुई थी उसमें इनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये मुख्य अतिथि बनी बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना।